अटेम्प्ट्स वहां पर कर सकते हैं, बट देखते हैं क्या उनको मौका दिया जाएगा। साथ ही साथ ड्रैगन नाइट का भी यहाँ पर आगमन बहुत ही जल्दी इवॉल्व होते हुए हमें देखने को मिल जाने वाला है। मैच में अपने छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए ड्रैगन नाइट ने एब्सोल को भगाया। मैच में इवॉल्व होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। ब्लिसी का 26 गोल का सहयोग रहने वाला है और बूपा का 9 गोल यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर टीम पर्पल अभी भी काफी ज्यादा मशक्कत में है, वो अभी भी अपना खाता खोल नहीं पाए। देखते हैं क्या इस बार दोबारा से ट्रेडनॉ को खत्म करेगी टीम ऑरेंज, क्या इस बार दोबारा से टीम ऑरेंज आगे बढ़ेगी और कुछ गोल्स करने वाली है या नहीं, वो देखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर से ट्रेडनॉ का फायदा टीम ऑरेंज उठाने वाली, और बता दें कि 200 का आंकड़ा भी क्रॉस कर चुकी है। टीम ऑरेंज आगे बढ़ेंगे, गोल्स करने की जरूरत, और ये गोल तो खाली भी रहेगा, आराम से वहां पे गोल भी करने टेबल पे। लेकिन अब 4 मिनट बचे हैं और पॉइंट्स टेबल पर 0 और दूसरे साइड 260 पॉइंट्स टीम ऑरेंज के हमें देखने को मिलेंगे। रॉटम को कौन खत्म करता है ये देखना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और रॉटम को आने का बिल्कुल भी मौका दिया नहीं जाएगा। पांचों के पांचों पोकेमॉन्स वहां पर उनकी तरफ अटैक करेंगे। रॉटम के 1 सेकंड में भगाया गया और 3 मिनट का जो समय है, 3 मिनट का जो समय है वो यहाँ पर बचा रह जाएगा, तो शील्ड मिलेगा। ज़ेप्डोस की भी एंट्री हो चुकी है और देखते हैं ज़ेप्डोस के ऊपर किस तरीके से प्रहार करने वाले हैं ये प्लेयर्स। टीम पर्पल वो भी मौजूद है, लेकिन टीम पर्पल के प्लेयर्स को यहाँ से भगाने की कोशिश टीम ऑरेंज के प्लेयर्स की रहेगी। पिकाचु को हटाया गया, एब्सोल को हटा वाले हैं ज़ेप्डोस के क्लोज, एंड फाइनली ज़ेप्डोस का फिनिश टीम ऑरेंज को ही मिलेगा। आंकड़ा बहुत बड़ा अभी भी है और ये और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि टीम पर्पल की अगर बात करें उन्होंने खाता तक नहीं को भी मौजूद रहने वाले हैं। ब्लिसी और डेल्फा सुख्या गेम्स में गाडेवी और ब्लिसी, ये फाइट आगे चल रही है 2v2 की। 20 सेकंड का मात्र वक्त रहने वाला है और फाइट में गाडेवियर की यहाँ पर खात्मा होता है, और पीछे से पिकाचु की तरफ आगे आते हुए हमें देखने को नहीं। टिक-टिक गली की शुरुआत मात्र 5 सेकंड में बचा रह जाएगा और ये गेम यहीं पर समाप्त होने वाला है। और मैंने अभी तक तो पहली बार देखा कि एक टीम 0 पॉइंट के साथ है और दूसरी टीम इतने बड़ी लीड। उसके बाद यहाँ पर जाकर के गोल्स भी करते हुए देखने को मिल जाएंगे। डेनबॉक्स के तरफ से 22 पॉइंट, 18 पॉइंट आगे लोकैरियो की तरफ से गोल करा जाएगा। आंकड़ा 100 का क्रॉस कर चुका है और 100 पर चार्ज करते हुए प्लेयर्स आगे बढ़ने की कोशिश में प्लेयर्स। ब्लिसी क्या यहाँ पे गोल कर पाएंगे, काफी ज्यादा वक्त रहने वाला है और लगने वाला है, इसीलिए उनको गोल करने का मौका नहीं दिया गया। फुटबॉल भी कोशिश कर रहे थे गोल करने की, लेकिन क्योंकि इनके पास 30 पॉकी बॉल्स है तो वक्त तो सारे के सारे पॉकेमॉन टॉप लेन पे आगे बढ़ते हुए। मेमोस वाइन वो पोर्टल लेन पे जा चुके हैं, वो कुछ और गोल्स करने की कोशिश रहेगी उनके जी, तो 7 पॉइंट और यहाँ पे दर्ज करते हैं, 5 पॉइंट और दर्ज करते हैं। लेकिन टीम ऑरेंज अपनी टीम के लिए बढ़ा रहे, वो प्लेयर कहीं ना कहीं कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जहां पर 60-70 पॉइंट्स हो रहे हैं वहां पर आपसे 5 पॉइंट्स कर रहे हो क्या गेम्स में, तो ये आपका कोशिश तो सही है, लेकिन आप लुकैरियो की तरफ से 9-8 आ जाने वाले हैं। लुकैरियो वर्सेस लुकैरियो और लुकैरियो वर्सेस 9-8 और लुकैरियो वर्सेस ब्लिसी होता हुआ हमें देखने को मिलने वाला है, और देखते हैं ये फाइट किस तरीके से आगे बढ़ेगी। टीम ऑरेंज के बिटर 4v4 का बैटल हमें देखने को मिल जाने वाला है। मेमोस वाइन और एब्सोल इस फाइट से दूर है, लेकिन 4-4 पोकेमॉन्स आगे बढ़ रहे हैं और इतने देर तक टीम पर्पल ने रोक लिया वही बड़ी बात रहने वाली है। अब यहाँ पे टीम ऑरेंज को उतना ज्यादा मौका दिया नहीं जाएगा। टीम ऑरेंज लुकैरियो और तीसरा गोल जोन भी टीम पर्पल का तबाह किया गया और एक बहुत ही बढ़िया गेम की तरफ आगे बढ़ते हुए टीम लुकैरियो हमें देखने को मिल रही है। और देखते हैं 1 मिनट शेष है दोस्तों खत्म करना, अगर टीम ऑरेंज ज़ेप्डोस अगर रुका भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 100 पॉइंट्स के गोल करते हुए टीम और पर्पल के लुकैरियो हमें देखने को मिलेंगे, और 75 की लीड थी, अब इस लीड को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ब्लिसी आगे जाना चाहते थे लेकिन लुकैरियो उनको लगातार रोकते हुए, बट डेनबॉक्स की तरफ से 100 पॉइंट के गोल आने वाले हैं, लुकैरियो की तरफ से 86 पॉइंट्स के गोल आने वाले हैं, और अब ब्लिसी की तरफ बेहतरीन विक्ट्री की तरफ टीम ऑरेंज के प्लेयर्स जा रहे हैं, क्योंकि मात्र 20 सेकंड का वक्त है टीम पर्पल के लिए कमबैक करने का। इस वक्त का इस्तेमाल कर जरूर रहे हैं, डेनबॉक्स यहां पे गोल करने वाले हैं। 86 पॉइंट 3 से 11 पॉइंट हो जाएंगे इनके, लेकिन इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। टीम ऑरेंज वो एक तरीके से छोड़ चुकी है, वो अपने गोल को पूरा खाली कर चुके, लो भैया आप आगे और गोल करना है, आप गोल कर लो, आपको जो करना है आप वो कर लो, लेकिन आप कुछ भी करो। दूसरे मैच में टीम ऑरेंज जीत हासिल कर, देखो कुछ ज्यादा ही फसाया गया है उनको,
चेज करते हुए हमें देखने को मिल रहे थे विगलेटफ, लेकिन जैसे ही जो प्लेयर अपने कप्तान की तरफ आ जाता है, वो जैसे कहा जाता है ना कि अपने एरिया में हर एक आदमी राजा बन जाता है, शेर बन जाता है, तो वैसे लुक एट ये जो डिफरेंस है वो कम ही नहीं बढ़ाती हुई टीम पर्पल अपने पेपर में, और लीड जो है वो अब टीम ऑरेंज से छीन करके टीम पर्पल के साइड में जा चुका है। 11 पॉइंट की लीड लेकर के आगे बढ़ते हुए टीम पर्पल के प्लेयर्स हमें देखने को मिल जाएंगे। 150 पॉइंट टीम पर्पल के हो तो आप हार रहे हो। सो मैटर ये नहीं करता है कि डिफरेंस कितना बड़ा है, मैटर ये करता है कि लीड में आप हो या आपके ओपोनेंट है। अगर आपके ओपोनेंट लीड में है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप लीड में हो तो भी आपको ग्रुप रहने वाले हैं, बट उसके होने ना होने से कोई फर्क पड़ता नहीं। अगली सी आगे बढ़ते हैं, 100 पॉइंट्स के गोल करेंगे और टीम पर्पल के सारे चारों गोल जोन जहां पर तोड़ दिए जाएंगे और कहीं ना कहीं टीम पर्पल ही